चेटीचंड के बाद में ये पहला चांद उत्सव था, इसलिए बड़ी धूमधाम से समाज के लोगों ने मिलजुल करके नाच गा करके बैराणी साहब के भजन पुस्तुति करके बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसके अंदर आज हमने जैसे कि चेटीचंड के प्रोग्राम के अंदर जो सप्ताह भर का प्रोग्राम चला था पखाड़े का, इसके अंदर जिन्होंने महिलाओं ने बहनों ने बच्चों ने भाग लिया था। पूज्य सिंधी पंचायत संस्था सिंधु भवन पंचशील नगर में मनाया गया चांद उत्सव के दौरान चेटीचंड के मौके पर चले साप्ताहिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों और महिलाओं को किया सम्मानित। पूज्य सिंधी पंचायत संस्था सिंधु भवन पंचशील नगर में सोमवार शाम चेटीचंड के पश्चात पहला चांद उत्सव मनाया गया। पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्ण आहूजा ने बताया कि हर महीने मंदिर पर चांद उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार चांद उत्सव के अवसर पर चेटीचंड के दौरान आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार की झांकियों और प्रभात फेरी में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले बच्चों और महिलाओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया है। इस मौके पर 28 बच्चों व 32 महिलाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। गौरतलब है कि पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर में मनाए गए चेटीचंड महोत्सव पर 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रभात फेरी निकालकर भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया, तो वहीं चेटीचंड के मौके पर विभिन्न झांकियां भी सजाई गई। कार्यक्रम के पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर पंचायत के राधाकृष्ण आहूजा, मुकेश आहूजा, मोहन चेलानी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। आज पूरी सिंधी पंचायत सिंधु भवन के अंदर हर माह की तरह जैसे चांद का उत्सव मनाया जाता है, चेटीचंड के बाद में ये पहला चांद उत्सव था, इसलिए बड़ी ही धूमधाम से समाज के लोगों ने मिलजुल करके नाच गा करके बैराणी साहब के भजन पुस्तुति करके बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसके अंदर आज हमने जैसे कि चेटीचंड के प्रोग्राम के अंदर जो सप्ताह भर का प्रोग्राम चला था पखाड़े का, इसके अंदर जिन्होंने महिलाओं ने बहनों ने बच्चों ने भाग लिया था, उनको भी आज इनाम दे करके पुरस्कृत कर करके और उनको आज बच्चों का हौसला बढ़ाया। करीबन 30 बच्चे जो कि झांकियों के अंदर जो भगवान कृष्ण भगवान बने थे, झूलन बने थे, संत कौराम साहब बने थे, इन सबको इनाम दे करके पुरस्कृत कर करके इनको हौसला बढ़ाया। और करीबन जो लेडी संगीत के अंदर जो लाडा बोलते हैं जिसको, उसके अंदर महिलाओं ने जो भाग लिया उनको भी हमने सम्मान करके उनका हौसला और बढ़ाया। तो उन्हें सभी को पुरस्कृत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आज 28 बच्चों को और 32 महिलाओं को पुरस्कार और प्रोत्साहन देने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया। और हम देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारे चेटीचंड महोत्सव पर तमाम सिंधी परिवारों का एक रुझान बढ़ता जा रहा है और हमारी जो प्रभात फेरी का कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, लाडा प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, बच्चों का कार्यक्रम हो, सभी में पार्टिसिपेशन भी बढ़ता जा रहा है और उसमें उत्साह के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है और ये खुशी की बात है। और इसी को देखते हुए आज ये एक सम्मान का कार्यक्रम किया है और बच्चों में और महिलाओं में बहुत उत्साह का माहौल है। इसके अलावा क्या क्या हुआ आज चांद उत्सव पर? आज चांद उत्सव पर प्रति माह की बात ही